वालेकुम, स्वागत है आप सबका फातिमा खान चैनल पर। और आज मैं बना रही हूँ चिकन साते। इसमें हमें क्या क्या लगेगा आओ देखते। तो मैं पहले लूँगी एक अंडा, इसको हमें तोड़ लेना। और इसमें हमें मिक्स करना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैदा। और अभी हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4। और अब हम इसमें डालेंगे शेजवान चटनी 1 चम्मच। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे विनीगर, मैंने हाफ का भी हाफ लिया है क्योंकि मुझे विनीगर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो बट मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें ना थोड़ा रेड फूड कलर डालती हूँ, मुझे कलर कम लग रहा है। वैसे मैं नहीं डालने वाली थी कि मुझे कलर कम लग रहा है, इसीलिए। अब हम इसमें हमारा, हमें बोनलेस चिकन लेना, इस तरह से छोटे छोटे उसके क्यूब्स कर लेना 1 इंच के हिसाब से। और ये मेरा 300 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी और इसे हमको 1 घंटा या आधा घंटे के लिए मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने हमने रख दिया है, जब से चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ऑयल चाहिए हमें। और हमारा तेल गरम होता है वैसे ही हम इसमें, तो अभी हम इसमें चॉप किए हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से दिखाएंगे। अब इसमें हमको टमाटो केचप लेना 1 चम्मच। एक चम्मच शेजवान और थोड़ा सोया सॉस लेंगे हम। थोड़ा सा विनीगर 1/2 चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से पकाएंगे थोड़ा। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने थोड़ा पानी में 1/4 स्पून, और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हमारे सॉस में नमक है इसके लिए इसमें हम नमक नहीं डालेंगे,
हमारी सॉसेस में नमक है। ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी, इसको थोड़ा पका लेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको साइड पे रख के हमारी चिकन फ्राई कर लेते हैं। ये स्टिक है, मैंने इसको 10-15 मिनट पहले भिगो लिया था। ये साइज़ का स्टिक चाहिए हमें, और अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। इसको पानी में से निकाल देना है, मैंने इसको निकाल लिया पानी से। अब मैं इसके अंदर चिकन के क्यूब्स इसमें डालूंगी। एक स्टिक में 3 क्यूब्स आने चाहिए। अब इसे हम साइड पे रखते जाएंगे बनाकर। बेटा वो एक साथ मैंने तेल गरम करने रख दिया है। इस तरह से साइड में सब रखते जाना है। इस तरह मैंने सारे स्टिक रेडी कर लिए। अब मैं, मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं एक एक करके सब डाल दूंगी। जो मसाला बाउल में रखा है ना, ये मसाला बोटियों पे इस तरह से लगाकर हमें इसे ऑयल में डालते जाना। मसाला इस तरह से पूरा इस पर कोट कर दूँ इसको। फिर अब ये वन साइड हो चुका है, अब इसे हम वन साइड टर्न करेंगे। तो बहुत अच्छे से देखो कितना प्यारा कलर आया है। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब ये हम निकाल रहे हैं। ये स्टिक मेरी पूरी फ्राई हो चुकी है, और 300 ग्राम चिकन के अंदर मैंने पूरी 10 स्टिक रेडी की हूँ। अब इसको हम इस सॉस में ऐड कर देंगे, एक एक करके सब इस सॉस में ऐड कर देंगे। इसमें जितनी आ सकती है मैं अभी उसमें उतनी ऐड कर रही हूँ। अब इसको पलट के फिर दूसरी तरफ भी ये सॉस लगा देंगे। बहुत सारा कलर लग रहा है और बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये मेरा रेडी हो चुका है, जो सॉस हमारी बची है वो हम इसके ऊपर थोड़ी सॉस इसी में इसके ऊपर रख देंगे। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी, आप लोग भी बनाएं, खाएं, अपने दोस्त यारों में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे अपना ढेर सारा प्यार दे दीजिए। और हम थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और अगर आपके पास तिल है तो आप तिल भी इस पर ऐड कर सकते हो। ओके गाइज, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अल्लाह हाफिज़।